जब श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े हुए थे, तभी रावण भी उनके सामने युद्ध के लिए उपस्थित हो गया। यह देख अगस्त ऋषि श्री राम के पास जाकर बोले, हे महाभाव राम, मैं तुम्हें एक सनातन गोपनीय स्तोत्र बता रहा हूँ, इसे सुनो। वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। इस स्तोत्र में सूर्य देव की निष्ठापूर्वक उपासना करते हुए उनसे विजय मार्ग पर ले जाने का अनुरोध है। यह परम पवित्र और शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणकारी स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। शत्रु पर विजय प्राप्ति तथा परम कल्याण के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का जप शुभ फलदायी है। समागम्यं द्रष्टुं भ्यागतो रणम्।